अगर आप अपनी घर की किचन के लिए या फिर किचन जैसी किसी छोटी जगह के लिए एक छोटा छत वाला पंखा ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों ने ये पंखे यूज़ करे हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग इन पंखों को दी है। तो ये सारे मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो इस टाइप के पंखे खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, ताकि आप अपने घर के आसपास किसी दुकान से भी पंखा लेने जाएं तो दुकानदार आपको बेवकूफ ना बनाए, आपको पता रहे कि आप सही चीज़ ले रहे हैं या गलत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी किचन के लिए पंखा खरीदते समय सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है ब्लेड का साइज। जो नॉर्मल छत पर हमारे पंखे लगे होते हैं नॉर्मल कमरों में, उनकी जो ब्लेड का साइज होता है वो 1200 mm या 1400 mm होता है, लेकिन किचन की जो स्पेस होती है वो थोड़ी कम होती है तो वहां पर छोटी ब्लेड साइज वाले पंखे लगते हैं, उनकी जो ब्लेड का साइज होता है वो 600 mm होता है। इंच में बोले तो 24 इंचेस का ये साइज होता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस साइज के रूम के हिसाब से आपको कितनी ब्लेड साइज का सीलिंग फैन यूज करना चाहिए। तो अगर आप इस चार्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो आपको कंसीडर करना है वो है मोटर टाइप। नॉर्मल जो पंखे होते हैं छत वाले, इनमें नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी भी एक आ चुकी है जिसको बोलते हैं BLDC मोटर। BLDC मोटर वाले अगर आप कोई भी पंखे लेंगे तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। फायदा उनमें यह होता है कि उनकी पावर कंजम्पशन काफी कम होती है नॉर्मल पंखे के मुकाबले। किचन वाले पंखों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल पंखे आप लेने जाएंगे वो 60 से 70 या 75 वॉट कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जो BLDC मोटर वाले पंखे होते हैं ये 25 से 30 वॉट कंज्यूम करते हैं। तो ओवरऑल ये पंखा आपको शुरू में महंगा मिलेगा, लेकिन 1 से 2 साल तक जब आप उसको यूज करेंगे तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है उससे जो आपका बिजली का बिल कम होकर आएगा उससे इसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है पंखे की स्पीड। तो आपको लगता होगा कि पंखों की स्पीड लगभग सेम होती है, लेकिन सेम नहीं होती। इसमें अलग अलग क्वालिटी वाले पंखे आपको मिलते हैं। अगर आप किचन के पंखे लेने जाएंगे मार्केट में तो वो 1000-1200 रुपये से उनकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 2500-2500 रुपये तक के भी पंखे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो कम प्राइस वाले होते हैं उनमें स्पीड आपको कम मिलेगी। स्पीड को मापा जाता है RPM में। तो जो कम प्राइस वाले पंखे हैं उनमें जो आपको स्पीड मिलेगी वो 450-450 RPM के आसपास मिलेगी, लेकिन जितना इनका प्राइस बढ़ता चला जाता है उस हिसाब से इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। 700-800-850 RPM स्पीड वाले पंखे भी मार्केट में अवेलेबल हैं। स्पीड के साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है एयर फ्लो रेट। एयर फ्लो रेट का मतलब है कि पंखा कितनी हवा फेंक पा रहा है। इसको मापा जाता है CFM या CMM में। CFM का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर मिनट और CMM का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट। दोनों एक ही चीज है, मापने का एक जरिया है। इसमें जो आपको रेंज देखने को मिलेगी वो 100-125-150 के आसपास मिलेगी। तो इसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाला आप फैन कंसीडर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका नंबर होगा उतना बढ़िया एयर फ्लो रेट उस फैन का होगा। और लास्ट में एक और छोटा सा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, फैन के बॉक्स पे आप लोगों को डबल बॉल बेयरिंग देखने को अगर मिलता है तो इसका मतलब वो फैन बढ़िया है। बढ़िया कैसे है? डबल बॉल बेयरिंग से उस फैन की जो बैलेंसिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है, जिससे उसकी लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर किसी बॉक्स पर डबल बॉल बेयरिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बेस्ट फैन है। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है तो चलिए कुछ फैन के मॉडल्स आप लोगों को दिखाता हूं। नॉर्मल मोटर वाले फैन प्लस BLDC मोटर वाले फैन, दोनों ही मॉडल्स आपको दिखाऊंगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है बजाज का मैक्सिमा सीलिंग फैन। इसकी जो करंट प्राइस रेंज है वो 1600 से 1700 के आसपास है, यानी इस रेंज में आपको ये फैन मिल जाएगा। इसमें 4 ब्लेड्स लगी हुई हैं और 2 कलर इसमें आपको मिल जाते हैं, ब्राउन एंड व्हाइट। और इसमें नॉर्मल कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज किया गया है। इसकी जो ब्लेड का साइज है वो 600 mm है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था 24 इंच 600 mm इतनी ब्लेड साइज के फैन आपको मिलेंगे किचन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसकी जो वॉटेज है यानी कि पावर कंजम्पशन वो है 66 वॉट और इसमें जो स्पीड आपको मिलती है वो है 870 RPM। एयर डिलीवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 110 CMM और इसमें डबल बॉल बेयरिंग का यूज किया गया है और इस पर आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। इस फैन की जो Amazon पर स्टार रेटिंग है वो 4.2 स्टार्स है आउट ऑफ 5, जो कि काफी बढ़िया मानी जाती है और लगभग 6000 लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस फैन को दी है। प्लस यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फैन मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपने घर पर अपनी किचन में। पिछले 5 साल से मैं इस फैन को यूज कर रहा हूँ, तो 2 साल की वारंटी यहाँ पर बोली गई है, लेकिन ये फैन अच्छा चल जाते हैं। पिछले 5 साल से जो मेरा फैन है वो बढ़िया चल रहा है, मुझे उसके साथ कोई इशू फेस नहीं हुआ। नंबर 2 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है पैनासोनिक ब्रांड की तरफ से। एंकर पैनासोनिक की एक सब डिविजन है और इस फैन का जो मॉडल नेम है वो है वेंटस। इसकी जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 2300 से 2400 के आसपास ये फैन आपको पड़ेगा। इसमें भी 4 ब्लेड्स का यूज किया गया है। इसमें आपको 2 कलर मिल जाएंगे, गोल्ड और ब्लैक। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये गोल्ड वाले फैन का है। अगर आप ब्लैक वाला लेने जाएंगे तो वो थोड़ा सस्ता आपको पड़ जाता है, 1800 से 1900 के आसपास पड़ेगा, लेकिन उसकी RPM भी कम है। RPM की बात अभी हम बात में करेंगे। पहले इसमें बता दूं कि इसमें कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज हुआ है, यानी कि नॉर्मल मोटर इसमें लगी हुई है। स्वीप साइज जो है वो सेम है, 600 mm 24 इंचेस। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 70 वॉट और जो स्पीड है वो है 810 RPM। जो मैंने आपको इसका ब्लैक वाला मॉडल बताया था जो थोड़ा सस्ता है, उसकी जो स्पीड है वो 400 RPM के आसपास है। एयर डिलीवरी इसमें आपको 120 CMM मिल जाएगी और डबल बॉल बेयरिंग का यूज किया गया है।
दो साल की वारंटी इस पर भी आपको मिल जाती है। जितने भी फैंस पर अगर आपको दो साल या उससे ज्यादा की वारंटी मिल रही है तो इससे पता चल जाता है कि उनमें कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज किया गया है, क्योंकि दूसरी जो वाइंडिंग होती है एल्यूमिनियम टाइप, उनकी लाइफ कम होती है। तो अगर किसी फैन में एल्यूमिनियम वाइंडिंग मोटर का यूज किया गया है तो वहां पर ब्रांड आपको शुरू में ही वारंटी कम देगा। इस मॉडल की अगर मैं Amazon स्टार रेटिंग की बात करूं तो इसको 4 स्टार मिले आउट ऑफ 5 और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। नंबर 3 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है वो है उषा ब्रांड की तरफ से उषा स्विफ्ट सीलिंग फैन। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1800 से 1900 के आसपास है और इसमें 4 ब्लेड्स आपको मिल जाती हैं। कलर इसमें आपको 3 मिलेंगे, व्हाइट, क्रीम एंड ब्राउन, और नॉर्मल कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। इसका जो स्वीप साइज है वो सेम है 600 mm और इसकी पावर कंजम्पशन है 74 वॉट। स्पीड इसमें आपको 830 rpm मिलेगी और एयर डिलीवरी रेट है 120 cm। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें भी यूज किया गया है और 2 साल की वारंटी है। इस मॉडल की जो Amazon स्टार रेटिंग है वो है 4.1 star out of 5 और लगभग 1600 लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो अभी तक मैंने आपको 3 मॉडल दिखाए, उनमें आप देख सकते हैं कि प्राइस डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो उनके पैरामीटर्स हैं वो लगभग सेम है। अब देखते हैं एक ऐसा मॉडल जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन उसके फीचर्स काफी डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है एटमबर्ग ब्रांड का रेनेसा BLDC मोटर सीलिंग फैन। तो नाम से आपको पता चल गया है कि इसमें BLDC मोटर का यूज किया गया है। इसका जो प्राइस है वो 3400 से 3500 के आसपास है। तो BLDC मोटर की वजह से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें 4 ब्लेड की जगह आपको 3 ब्लेड्स मिलेंगी और इसमें आपको कलर ऑप्शंस काफी सारे मिल जाते हैं। ब्राउन एंड ब्लैक का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, खाली ब्लैक में लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, सिर्फ ब्राउन में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, व्हाइट में मिल जाएगा और व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। इसमें कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का यूज किया गया है। स्वीप साइज इसमें सेम रहेगा 600 mm और इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो काफी कम हो जाती है क्योंकि इसमें BLDC मोटर है। इसकी पावर कंजम्पशन है 28 वॉट और इसमें जो स्पीड आपको मिलेगी वो मिलेगी 840 rpm। एयर डिलीवरी रेट है 110 cm और डबल बॉल बेयरिंग का इसमें भी यूज किया गया है। प्लस इसमें आपको रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, तो अगर आप बार बार स्विच की मदद से या रेगुलेटर की मदद से इसको ऑपरेट नहीं करना चाहते तो रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है क्योंकि इसमें BLDC मोटर का यूज है, तो BLDC मोटर वाले जो फैंस होते हैं उनमें वारंटी थोड़ी ज्यादा आपको मिलती है। इस मॉडल की जो Amazon रेटिंग है वो है 4.1 out of 5 star और लगभग 2000 लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो यहाँ पर प्राइस बेशक थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन पावर कंजम्पशन भी कम है, तो अगर आप इस मॉडल को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मत सोचिए प्राइस ज्यादा है, 1 से 2 साल तक आप इसको यूज करेंगे तो आपका बिजली का बिल जो कम होकर आएगा वहीं पर इसकी पूरी कॉस्ट कवर हो जाएगी। लास्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है कैंडिस ब्रांड की तरफ से कैंडिस ब्रायो टर्बो हाई स्पीड सीलिंग फैन। अगर आप सस्ते में कोई फैन कंसीडर करना चाह रहे हैं तो इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1200 से 1300 के आसपास है। 4 ब्लेड्स इसमें भी आपको मिलेंगी। कलर इसमें आपको 2 मिलेंगे, क्रीम और कॉफी ब्राउन। ये जो कॉफी ब्राउन है ये थोड़ा ब्लैक टाइप का लगता है तो आप इसको ब्लैक भी मान सकते हैं। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। स्वीप साइज सेम है 600 mm। पावर कंजम्पशन यहाँ पर थोड़ी सी कम है, 50 वॉट। BLDC फैन नहीं है ये, नॉर्मल फैन है। पावर कंजम्पशन थोड़ी सी कम है तो उस वजह से जो इसके आगे की परफॉर्मेंस है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो अभी जो आपने पीछे सारे मॉडल्स देखे थे उनमें लगभग 800 के आसपास आपको स्पीड देखने को मिल रही थी, यहाँ पर जो स्पीड है वो 400 rpm की है। एयर डिलीवरी रेट इसमें आपको 230 cm मिल जाएगा और वारंटी इस पर आपको 2 साल की मिल रही है। इस मॉडल की Amazon रेटिंग भी इतनी बेकार नहीं है, 4 स्टार रेटिंग इसको मिली है आउट ऑफ 5 और लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस फैन को दी है। तो अगर आप कम प्राइस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको सही मिल रही है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी किचन में यूज होने वाले सीलिंग फैंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी मॉडल खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोज बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।